हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग ऑकर येलो से एक सेंटर में लाइन बनाएंगे और उसी से एक आइलैंड हम ड्रॉ कर लेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज ऑकर येलो एंड विल क्रिएट अ आइलैंड इन द सेंटर लाइक दिस। एंड देन वी आर गोइंग टू यूज ब्राउन। उसके बाद हम लोग ब्राउन से शेडिंग करेंगे। विल शेड इट यूजिंग ब्राउन। एज यू कैन सी विल ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट एन इमेजिनरी और यू कैन मार्क अ लाइन लाइक दिस एट द सेंटर। द बॉटम हाफ विल बी द रिफ्लेक्शन। आप चाहे तो सेंटर में इस तरीके का एक लाइन मार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा होगा वो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अभी मैं डार्क ब्राउन यूज कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। नाउ आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन फॉर द शेडिंग। अभी मैं हल्के हाथों से बाकी का जो पूरा हिस्सा है उसमें भी डार्क ब्राउन ही यूज करूंगा। So with a light grip and light pressure, I'm going to use the dark brown in the rest of the section as well. And we'll blend it. और हम लोग उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे यूज किया है, लेकिन वो आप यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, बाद में मैंने भी उसको कैंसिल कर दिया। सो आई यूज लिटिल बिट ऑफ ग्रे आउट हियर, बट यू कैन कैंसिल इट एज आई कैंसिल इट लेटर एज वेल। नाउ आई एम यूजिंग प्रूशियन ग्लू टू मार्क द मेन आउटलाइंस ऑफ द माउंटेन। अभी मैं यहाँ पे प्रूशियन ग्लू यूज कर रहा हूँ ताकि मैं जो मेन जो माउंटेन है वो मार्क कर सकूँ। बाय द वे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस ड्राइंग में भी पेपर को पहले एक सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग अच्छे से हो और इफेक्ट्स अच्छे हैं। सो बाय द वे, आई हैव केप्ट द पेपर ऑन अ स्मूथ एंड सॉफ्ट सरफेस सो दैट आई कैन ब्रिंग आउट द डिटेलिंग नाइसली। आप देख सकते हैं कि जब मैं हल्का प्रेशर यूज करूँ तो किस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है। सो यू कैन सी व्हेन आई एम यूजिंग लाइट प्रेशर व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इट इज और व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इट इज क्रिएटिंग। सी, नाउ आई एम मार्किंग द एरिया विद लाइट ग्रे। आप देखिए मैं हल्के हाथों से कैसे पहाड़ का जो एरिया है वो मार्क कर रहा हूँ और किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। एंड जस्ट विथ लाइट ग्रिप आई एम मार्किंग द एरिया ऑफ द माउंटेन एंड सी व्हाट काइंड ऑफ अ पैटर्न इज लीविंग बिकॉज आई एम यूजिंग लाइट ग्रिप। दिस काइंड ऑफ स्मॉल पैटर्न्स आर वेरी ईजी टू ब्लेंड। इस टाइप का अगर स्मॉल मतलब छोटे 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 डॉट टाइप का अगर पैटर्न आपको मिल रहा है पेपर के ऊपर तो वो ब्लेंड करना बहुत ईजी होगा। अगर आप टिश्यू भी यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। इवन इफ यू यूज टिश्यू इट विल ब्लेंड वेरी नाइस। मैंने स्काई ब्लू यूज किया है, जस्ट नाउ यूज ब्लू और लाइट ब्लू और स्काई ब्लू वगैरह। So the main thing about the mountain is we are going to work on the details and layering. So यहाँ पे सबसे important है कि हम लोग layer के ऊपर काम करेंगे और detailing के ऊपर काम करेंगे। अभी मैं white use कर रहा हूँ। Now I'm using white to blend out the colors and just don't worry, just let loose, just keep on blending, okay? तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए ब्लेंडिंग के वक्त, आप बेझिझक ब्लेंडिंग कीजिए। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
I'll explain the entire process so you will face no problem at all. Just blend without any fear. Okay, so now I'm blending it with white. Now I'm going to use a toothpick to bring out some of the details. अभी मैं एक टूथपिक यूज़ कर रहा हूँ डिटेल्स को लाने के लिए. उसके बाद मैंने बस उसको ब्लेंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है. आफ्टर दैट आई जस्ट ब्लेंडेड इट अ लिटिल. सी, अभी मैं दूसरा लेयर बना रहा हूँ. नाउ आई एम मेकिंग अनदर लेयर. आई ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ वाइट. मेरा व्हाइट कलर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो ये दूसरा व्हाइट मैं यूज कर रहा हूँ. सो आई एम यूजिंग अनदर व्हाइट. इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स द सेम व्हाइट. ओके, सो अब व्हाइट से वापस ब्लेंडिंग कीजिए. जस्ट ब्लेंड यूजिंग व्हाइट. Now use violet for the other mountain and some of the violet in the main mountain as well. The structure might look rough right now, but when you work on layers, you'll get the details. अभी आपको ये थोड़ा rough लग सकता है, लेकिन जैसे आप detailing के ऊपर काम करेंगे, ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा. क्योंकि मैं व्हाइट के ऊपर अलग अलग तरीके से, मतलब ब्लू यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लू यूज कर रहा हूँ व्हाइट के ऊपर, तो वो अलग अलग टाइप का कलर वो एक एक लेयर पे देता जाएगा. सिंस आई एम यूजिंग द ब्लू ओवर अ लेयर ऑफ व्हाइट, इट विल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लूज एट डिफरेंट लेयर्स. Giving a thick layer of white. आप देख सकते हैं कि मैं व्हाइट का एक मोटा सा लेयर दे रहा हूँ, उसके ऊपर ही मैं ब्लू को बिठा रहा हूँ, ताकि जब मैं पेन नाइफ यूज करूँ तो नीचे का ब्लू भी थोड़ा दिखाई दे. द मेन रीजन फॉर गिविंग अ सच अ थिक लेयर ऑफ व्हाइट एंड ब्लू ओवर इट, बिकॉज व्हेन वी यूज द पेन नाइफ, इट विल नॉट ओनली ब्रिंग आउट some of the white, but it will bring out some of the blue as well. So I just use toothpick and my nails to do some of the details. So अभी भी मैंने toothpick use किया, of course नाखून भी use कर दिया detailing करने के लिए. अभी मैं देखिए dot दूंगा, ठीक है, डॉट 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 करके थोड़े बहुत पैटर्न बनाऊंगा. सो नाउ यू फाइंड मी डूइंग सम डॉट्स, गिविंग सम डॉट्स ओवर द माउंटेन टू डू द डिटेलिंग. मैंने ये जो डॉट है, ये सिर्फ डॉट देने से लेकिन रियलिज्म या फिर मतलब वो रियलिस्टिक फील या फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक, ओनली द डॉट वोन गिव इट अ वेरी गुड इफेक्ट ऑफ द माउंटेन. इट इज जस्ट अनदर स्टेप टू दैट. इज इट व्हाट एक स्टेप है. तो देखिए मैंने ब्लू से डॉट दिए, फिर व्हाइट से डॉट दिए. द यूज डॉट्स ऑफ ब्लू एज वेल एज डॉट्स ऑफ व्हाइट. Now you can see the mountain. I'm just going to quickly make the sky, like use some fuchsia blue, some light blue and white to create the sky. And like I said, that it is a soft and smooth
surface, so the colors will blend out easily. So soft और स्मूथ सरफेस के ऊपर बिठाया हुआ तो कलर आसानी से ब्लेंड हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। मैंने प्रूशियन ब्लू यूज़ किया, लाइट ब्लू यूज़ किया और उसके ऊपर वाइट, बस काम हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो ऊपर के जो क्लाउड्स होंगे, क्लाउड्स में देखिए थोड़ा मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा ब्लू थोड़ा वाइट, सम मार्किंग द एरिया वेर आई वॉन्ट द क्लाउड्स टू बी। I'm using some blue and some white. Just notice how I'm using small pieces of color to do things. अब देखिए मैं कैसे छोटे छोटे कलर का पीस यूज़ कर रहा हूँ बनाने के लिए, इससे क्या होता है कंट्रोल मिलता है। सो वॉट इट डज इज इट गिव्स यू कंट्रोल। So now I have put in a huge layer of white. तो भी आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही मोटा लेयर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वाइट का, कारण मैं जैसे ही नाइफ यूज़ करूँगा आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ही मैं नाइफ यूज़ कर रहा हूँ क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा वाइट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी किसी जगह पे ब्लू जो है छूट जा रहा है। So see, when I'm using the knife, I'm getting the white back, but at some of the places, it's leaving out the blue as well. I lose the effect on the mountain as well. Here I'm using violet. Back to the pen knife. Now see, I'm bringing out some of the whites on the mountain. अभी आप देखिए मैं थोड़ा बहुत जो white area है वो पहाड़ का जो area है उसमें से मैं थोड़ा सा थोड़ा बहुत white का area निकाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा blue भी रह जा रहा है। See, some of the blue is getting left out as well. It's not getting completely white, and that's how I got the effect. और इसी तरीके से मुझे पूरा इफेक्ट मिला पहाड़ का जो इफेक्ट है। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्लाउड्स कैसे बनाऊँ। सी हाउ आई एम मेकिंग द क्लाउड्स। मैंने वाइट दिया सेंटर में। अभी देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे पेन नाइफ यूज कर रहा हूँ थोड़ा वाइट रह गया और थोड़ा सा ब्लू भी रह गया। I can blend it with fingertips, no problem. आप यहाँ पे थोड़ा fingertips भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने बादल में जैसे ही बनाए कैसे थोड़े बहुत व्हाइट रह गए और थोड़े बहुत ब्लू छूट गए, जिसकी वजह से वो जो स्काई का जो इफेक्ट वो और भी उभर के आया। ऊपर वाला हिस्सा बना लिया, उसके बाद नीचे मैं वापस वही सारे स्टेप्स रिपीट करूँगा। तो यही था
मेन ट्यूटोरियल, ठीक है, देख लीजिए कैसे मैं मैच यूज कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिपीट द एंटायर थिंग इन द बॉटम पोर्शन एज वेल एंड जस्ट सी हाउ आई यूज द नाइफ एंड आई एम गोइंग टू रिपीट द एंटायर थिंग ऑन द बॉटम पोर्शन। सो दैट वॉज ऑल फॉर द ट्यूटोरियल। Enjoy the rest of the video, and if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and press the bell notification, because I'll be bringing more videos like this. Until next time, goodbye. तो आपने देखा कि मैंने कैसे बनाया, और वही चीज़ में अभी जो बॉटम पोर्शन है वहाँ पर भी रिपीट करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा और भी सारे वीडियोस लाऊंगा, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे लाऊंगा। और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।